प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रही है। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट भाजपा की कभी नहीं रही, बावजूद इसके भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई है। जो गलतियां रही हैं उसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, वहीं केदारनाथ उपचुनाव को भाजपा भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और वहां की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि अभी हाल में जो वहां आपदा आई, उस आपदा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपदा में रेस्क्यू का काम किया, लगभग 17,000 फंसे हुए तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला सकुशल, वहां की जितनी दुकानें पूर्णतः बही थी उनको सरकार बहुत उनको प्राथमिक स्तर पर उनको मुआवजे देने की तैयारी कर रही है। लगभग 4,500 से अधिक घोड़ा खच्चर जो वहां फंसे हुए थे और उनका व्यवसाय खत्म हुआ है, उनके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है कि उनको कैसे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। वहां पर टेंट वाले हजारों लोग थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अत्यधिक नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई भी जो है राज्य सरकार करने की योजना बना रही है, यथाशीघ्र उसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है पूरी तरह से वहां के लोगों के साथ में है, इसलिए वहां की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि क्षेत्र का जो हित है, क्षेत्र का जो विकास है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसको हम इस चुनाव में सिद्ध भी करेंगे।